हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्तीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं पनीर फ्राइड राइस। इसे आप बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा कॉर्नफ्लोर, और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा मैदा। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और इसमें हम कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये अच्छा कलर देगी इसको, इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने पनीर लिए हैं, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीबन पनीर लिया है। इसे मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिया है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पनीर को पानी से निकाल कर इसमें डाला है, तो पनीर गीला होने की वजह से ये जो सूखा मसाला जो है हमने जो बनाया है कॉर्नफ्लोर मैदा, ये सब इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा। तो मैंने इसे इसमें बिल्कुल भी और एक्स्ट्रा कोई पानी यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही ये इसमें अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने शैलो फ्राई से थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे सारे पनीर इसमें डाल दूँगी, इसे अच्छे से गोल्डन कलर होते तक के हमें फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, इसमें जाते ही इसका कलर इन्हेंस हो जा रहा है। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है, इसमें एक्स्ट्रा और कोई फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसे हम पलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये जो ऑयल हमारे पास बचा है ना, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से थोड़ा सा कलर हो गया है, तो ये बिल्कुल भी आप सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम बनाएंगे फ्राइड राइस, तो उसमें भी हम इसी ऑयल को यूज़ करेंगे। तो ये पके हुए चावल है, मैंने 1 कप चावल का ये कुकर लिया था। ये कढ़ाई मैंने ली है, इसमें हम उसी ऑयल को डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। मैंने इसे बारीक चॉप करके डाला हुआ है, आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा भून जाए, इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे, वैसे ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गाजर और शिमला मिर्च। मैंने इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, और ये मैंने शिमला मिर्च डाल दिया इसमें। इसे भी हम कुक कर लेंगे। इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्रंच रहे तो ही अच्छा लगता है। और वैसे भी सब्ज़ियाँ बहुत बारीक चॉप है, तो ये जल्दी कुक हो जाएंगी। अब हम इसमें डालते हैं अपने सॉस। तो मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस डाला है और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डाला है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। और मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो केचप। मैंने टोमेटो केचप डाल दिया यहाँ 2 चम्मच। अब जाएगा इसमें सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 1 चम्मच डाल दिया है इसमें। और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। विनेगर अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये हमने इसे पका लिया। अब इसमें हम डालेंगे अपने पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे, इसे हम इसमें डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। हमने इसे 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें अपने पके हुए चावल को डालेंगे।
मैंने 1 कप चावल को पका लिया था, तो पका के ये ज़्यादा हो गया है। आप इसे बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स इसमें चावल डालने के बाद ही आप सॉल्ट ऐड करिए, क्योंकि नहीं तो अंदाज़ा गलत हो जाता है, अक्सर नमक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं राइस डालने के बाद ही सॉल्ट डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और वैसे तो फ्राइड राइस में स्प्रिंग अनियन डाला जाता है, हरा प्याज जो आता है ना उसे, लेकिन मेरे पास अभी वो नहीं था इसलिए मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। हमारा फ्राइड राइस एकदम रेडी है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट ज़रूर करें।